पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण ईटानगर से सटे होलोंगी पटीला गांव से होकर गुजरने वाली नदियों और नालों में पानी भर गया है। अब ये पानी गांव में घुस रहा है, जिसके कारण गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। घरों में पानी घुसे होने के कारण लोग सुरक्षित जगहों पर आश्रय लिए हुए हैं और बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। अब तक 19 मकान बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर वर्ष उन्हें इस दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं होता है। डैमेज तो पूरा हुआ है, वो ये में पूरा तामुल गच्ची नारिकोल पूरा डैमेज हो गया। अभी तो यहाँ में 10-12 घर में पानी पूरा भर्ती हो गया और ये होते हर साल में होते रहता है। इसका असर मैं समझता हूँ, इसका सरकार जल्द से जल्द कुछ इलाज निकाल लेने से अच्छा होगा। बाढ़ प्रभावित इस इलाके का दौरा करने आज वन मंत्री नाबम रेबिया यहाँ पहुँचे और प्रभावित लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि स्थानीय नालों में पानी का बहाव में रुकावट आने के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को फौरन इलाके में मेडिकल कैंप लगाने का आदेश दिया। प्रभावित परिवार को भी हर तरह का मदद देने का आश्वासन दिया। अभी आके अपने आंखों से देखा है, सचमुच ही सिचुएशन इस तरह, इसलिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ बुलाया हूँ कि वी हैव टू टेक सर्टेन रिमेडियल मेजर्स। वो जो नाला को जो ब्लॉक करके रखा है वो वॉल को तोड़ना पड़ेगा। सर यहाँ हमारा डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर मैडम को बोला हूँ, इमीजिएटली यहाँ पे एक टेम्पररी मेडिकल कैंप बनाएगा। जो स्किन डिजीज एंड छोटा मोटा डिजीज होगा वो अटेंड करें और भी जो भी हमसे सरकार से मदद हो सकती है। अरुणाचल 24 के लिए मनोज सिंह की रिपोर्ट।